हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि मैं किस तरीके से एक सोलो ट्रिप करते हुए इंदौर से फरीदाबाद पहुंची, और जब मैं फरीदाबाद पहुंचती हूं तो मुझे वहां पता चलता है कि हम लोग उसी रात को किसी शादी पार्टी में जाने वाले हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि फाइनली मुझे काफ़ी टाइम बाद, ये कह सकते हैं कि एक साल बाद किसी शादी में जाने का मौका मिला। और आप ये देखिए, जैसे ही हम लोग निकले हैं, आधे रास्ते पहुँचे ही थे कि हमारी जो गाड़ी थी उसका टायर पंचर हो गया, बट थैंक गॉड कि हमें वो टाइम से पता चल गया और हम लोग सब अब गाड़ी से उतर चुके हैं और अब पंचर लग रहा है और होपफुली वो जल्दी लग जाए, क्योंकि बहुत ही अब ज़्यादा मच्छर वच्छर काट रहे हैं तो बहुत ही गंदा सा लग रहा है। और आप ये देखिए, सीधा अब हम लोग शादी में पहुंच चुके कि रास्ते में बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं हुआ। और अब आप ये देखिए, और ये जो एक शादी थी ये गढ़वाली कल्चर की थी और बहुत ही अच्छा लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे ही किसी गढ़वाली कल्चर की मतलब वेडिंग अटेंड करी, और इन लोगों का जो डांस था स्लो स्लो में बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा भी आ रहा था मेरे को यहाँ पर आके। आफ्टर ऑल क्यों नहीं अच्छा लगेगा अगर आपको एक साल बाद किसी शादी में जाने का मौका मिल रहा। और मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब से मैं इंदौर शिफ्ट हुई हूँ मुझे ऐसे किसी भी पार्टी में जाने का मौका नहीं मिल पा रहा, और मैं काफ़ी टाइम से उसको मिस भी कर रही थी। तो आप ये देख रहे हैं, आप ये देख सकते हैं जहाँ पर ये शादी थी, ये जो मैरिज हॉल था बहुत ही शानदार और एक लग्जरी होटल था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ की डेकोरेशन हो, ईच एंड एवरीथिंग होगी। और यहाँ पे जो आप अरेंजमेंट भी अगर आप देखते हैं ना यहाँ पे, तो अरेंजमेंट भी काफ़ी वेल मेंटेन थी। और अगर खाने की बात करें तो खाना भी बहुत टेस्टी था, यहाँ पर खाने की बहुत सारी वैरायटीज़ इन्होंने रखी हुई थी। और गाइस, सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ था, ऐसा नहीं था कि सारी चीज़ों को सबको एक साथ डाल दिया हो नो, तो उसे हौश पौश भी नहीं हो रहा था और पब्लिक का क्राउड भी नहीं हो रहा था। तब आप यहाँ देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे मैं गढ़वाली शादी में क्या कर रही हूँ, तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो ये शादी थी हमारे बहुत ही खास फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ पे थी, और शादी का जो दूल्हा था वो मेरे भाई का चाइल्डहुड फ्रेंड था, तो दूसरा रीज़न ये भी था। बट ये जो लोग थे ये काफ़ी स्वीट और नाइस लोग थे, जिनके साथ हमारी अभी तक ये फैमिली फ्रेंडशिप चलती चली आ रही है। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ शादी पे आके। अरे वाह, मतलब कि एक साल बाद की आप शादी पर आए हैं। और अब आप चलते हैं, आपको चलते हैं लेके जहाँ पे डिनर का अरेंजमेंट किया गया था। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस होटल में काफ़ी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ था, ये सबसे खास बात लगी मुझे कि स्टार्टर्स अलग था, चाट आइटम अलग था, अगर आपको फ्रूट सैलड चाहिए तो वो बिल्कुल ही अलग था, तो जो डिनर का जो इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था वो बिल्कुल ही अलग था। और आप ये देखिए कितना शानदार हॉल, और यहाँ की जो अरेंजमेंट, डेकोरेशन, यहाँ का लाइटिंग, मैं तो यहाँ की फ़ैन ही हो गई। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब लग रहा है कि जैसे हम किसी रॉयल वेडिंग में आए हैं। और अब आप यहाँ देख भी सकते हैं कि कितना अच्छा अरेंजमेंट है। और ये जो शादी थी ये गाज़ियाबाद में हुई थी, तो ये गाज़ियाबाद का ही कोई होटल रिजॉर्ट था वहाँ का। और अब आप यहाँ देखिए, अगर खाने की वैरायटी की बात करें तो नो डाउट यहाँ देयर वर लॉट्स ऑफ वैरायटीज़, और हर एक खाने की मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ थी, चाहे वो चाइनीज़ हो, नॉर्थ इंडियन। और दूसरी बात का ये ख्याल रखा गया था, यहाँ पे कोई भी नॉन वेज फूड सर्व नहीं किया गया था। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अगर आपको हाथ से बनी रोटी चाहिए तो आपको वो भी मिलेगी जो प्रॉपर गैस पे बन रही थी। और सब्जियों में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी यहाँ पे, डेजर्ट में भी थी। और अब तो हमारा तो पेट भर चुका है। और वैसे भी अगर बात करें, अगर आप शादी पार्टीज़ में जाते हो सोच के तो बहुत जाते हैं कि हम ये खाएंगे, हम वो खाएंगे, बट एट लास्ट आपका खाने का उतना मन नहीं करता, आपका थोड़ी सी क्वांटिटी में ही मन भर जाता है। और अब आप चलिए, जिसका सभी को इंतज़ार होता है, यस ब्राइड एंट्री, और वो एंट्री अब होने वाली है। और अब देखिए हमारी जो ब्राइड है उसकी एंट्री हो चुकी है। और यहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम एक सीन देखा, वो ये था, ये जो फॉक्स सिस्टम की जो ये देखिए आप, ये मशीन यहाँ लगी हुई थी, बिल्कुल हमारे सोफे के पास ही रखी गई थी, इससे पहले मैंने कभी ये सिस्टम नहीं देखा। और ये स्मोक किस तरीके से निकाला जाता है, कैसे क्रिएट होता है, तो फर्स्ट टाइम ही देखा इस बॉक्स में से निकाला जा रहा था। और आप ये देखिए, आजकल जो फोटोग्राफर ये जो हो गए हैं, इसे सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं, ब्राइड के लिए भी बहुत दीवाने होते हैं। और आप ये देखिए किस तरीके से सब लगे हुए हैं कि कोई भी एंगल से मतलब फ़ोटो निकल ना जाए, उनके हाथ से सभी एंगल से लेने में लगे हुए हैं। और जो ब्राइड थी वो काफ़ी एक्टिव लग रही थी और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था इसको देखकर। और गाइज, ये जो ब्राइड थी इसने ये चूज़ किया कि वो अपने पेरेंट्स के साथ वॉक करते हुए स्टेज तक जाएगी, ना कि वो जो हम लोग हेड पर जो भी लेकर चलते हैं, उसने टोटली उसके लिए मना कर दिया कि नहीं, कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ तक जाना है वॉक करते हुए। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात थी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ गई है वहाँ तक। तो आप देख भी सकते हैं कि अब फाइनली जो ब्राइड है वो स्टेज पर आ चुकी है। और जब स्टेज पर आते हैं तो बस अब वरमाला का टाइम हो चुका है, और मुझे बहुत ही मज़ा आया इस वरमालों को देख के, क्योंकि ये जो ब्राइड थी, मैं जैसा मैंने बताया कि बहुत एक्टिव थी,
तो अब आप देखिएगा कि मतलब उसने कितनी मस्ती के साथ यहाँ पे अपनी जयमाला को एंजॉय किया है। अब यहाँ पे वो ये डिस्कस करी कि पहले कौन डालेगा, मैं या वो, तो उसको बताया जाता है कि नहीं पहले जो है वो लड़की डालेगी माला, और जब वो और उसने जो माला डाली है तो लड़के ने काफ़ी इजीली डलवा भी ली है, और लड़के ने थोड़ा बहुत एक्ट किया, ज़्यादा नहीं किया, बट उसने फाइनली वो माला डलवा ली। और आप देख सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत एक्ट कोई कर रहा है तो वो लड़की ही कर रही थी। और अब लड़के की बारी, अब वो लड़की के गले में डाल रहा है, तो आप देखें कि लड़की तो बहुत ही इन्जॉय कर रही है कि इतना ईजी नहीं है कि वो लड़का इतनी आसानी से जो है वरमाला को डाल दे, बट फाइनली लड़की ने वो डलवा ली। और इसी के साथ दोनों की ये जो वरमाला सेरेमनी होती है वो हो चुकी है, और अब हम लोगों का टाइम भी हो चुका है घर जाने का। और अब आप ये देखिए, अब हम लोग एग्ज़िट कर चुके हैं, और अब चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते हैं कि अब मैं और कहाँ घूमने जाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।